तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज फिर हम एक बार फिर से जो है मैग्नेटिक सर्किट के आगे के बारे में बात करेंगे। हालांकि जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बात की थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बाद हम लोगों ने मैंने आपको बताया था कि एक डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, एक स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, इसी प्रकार से एक सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, इसी प्रकार से एक म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ आप लोगों को बताया था। लेंस लो मैंने आप लोगों को बताया था, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल आप लोगों को मैंने बताया था। उसके बाद आज एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है, हालांकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से ही संबंधित है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट, हालांकि बेसिक इलेक्ट्रिकल में भी आप लोगों ने चीज जानी होगी। बेसिकली अगर आप लोग बात करो इलेक्ट्रिकल की, तो इलेक्ट्रिकल में तीन कंपोनेंट होते हैं। आप लोग कह सकते हो इलेक्ट्रिकल में तीन कंपोनेंट होते हैं, एक वी, एक आई और तीसरा जेड। आप लोग सभी जानते होंगे जो मेरा कंप्लीट इलेक्ट्रिकल है वो कंप्लीट इलेक्ट्रिकल इन तीन पैरामीटर के इर्द गिर्द घूमता है। यानी कि आप लोग चाहे बसीन पढ़े, चाहे आप लोग पावर सिस्टम पढ़े, चाहे आप इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़े, चाहे आप बेसिक पढ़े, कहीं ना कहीं इन तीनों ही को, इन सभी कोर्सेज में इन तीन पैरामीटर की बात होती है, चाहे वो डायरेक्ट रूप से हो चाहे वो इनडायरेक्ट रूप से हो। तो इस जेड में भी वी वोल्टेज, आई करंट और जेड का जो कंपोनेंट होते हैं, जेड में बेसिकली तीन कंपोनेंट होते हैं, एक होता आर और एक होता एक्सएल और एक होता है एक्ससी। एक्सएल जो मेरा होता है वो इंडक्टर के कारण होता है, एल के कारण होता है। तो दोस्तों रेजिस्टेंस के बारे में आप लोगों ने बेसिक इलेक्ट्रिकल में पढ़ा होगा, हालांकि हो सकता है बेसिक आपने आरएल सर्किट या आरएलसी सर्किट वहां पर इंडक्टर भी थोड़ा बहुत पढ़ा हो बेसिक में, लेकिन आज यहां पर हम लोग इंडक्टर के बारे में जानेंगे, हम लोग जानेंगे इंडक्टर की प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग बात करेंगे सबसे पहले सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्शन की बात कर लेते हैं। पहले कोफिशिएंट ही बोलते हैं उसे, उसके बारे में बात कर लेंगे सेल्फ इंडक्शन की। जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है आप लोगों को, सेल्फ इंडक्शन नाम आप लोगों को सजेस्ट कर रहा है, सेल्फ इंडक्शन इसका मतलब खुद से कुछ ना कुछ इंड्यूस कर रहा होगा। और क्या इंड्यूस कर रहा होगा? करंट इंड्यूस कर रहा होगा। क्या इंड्यूस कर रहा होगा? करंट। हम लोग कह सकते हैं जैसे सपोज ये मेरा कोई कॉइल है। अब इस कॉइल में एक करंट फ्लो हो रहा है फिलहाल आई, आप कह सकते हैं इस कॉइल में एक करंट फ्लो हो रहा है आई। अब यदि इस आई को इंक्रीज किया जाए तो इंक्रीज करने का मतलब यह होगा कि यहां पर जब करंट यहां पर आई था तो यहां पर फ्लक्स फाइ रहा होगा। अब आपने आई चेंज किया तो फ्लक्स भी चेंज हुआ होगा। भाई आई बढ़ा है तो इसका मतलब मेरा फ्लक्स भी बढ़ा होगा, हाँ या ना? और जब अगर मेरा फ्लक्स बढ़ा है तो इसका मतलब पहले फ्लक्स फाई था, अब फ्लक्स बढ़ के कुछ और हो गया है, तो इसका मतलब फ्लक्स की वैल्यू में चेंज आया है। और अगर फ्लक्स की वैल्यू में चेंज आया है तो इसका मतलब फैराडेज के नियम एप्लीकेबल होंगे। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है, करंट चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज हो रहा है तो एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। क्या इंड्यूस होगा? एक ईएमएफ। तो हम लोग कह सकते हैं कि यदि किसी कॉइल में एक करंट का इंक्रीमेंट होगा, या डिक्रीमेंट भी कह सकते हैं उसी प्रकार से, किसी कॉइल में करंट का इंक्रीमेंट होगा, करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो वहां पर फ्लक्स की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, और फ्लक्स की वैल्यू इंक्रीज होगी तो साथ साथ में वहां पर क्या इंड्यूस होगा? एक ईएमएफ। क्या इंड्यूस होगा? एक ईएमएफ। और दोस्तों आप लोगों को लास्ट क्लास में मैंने बताया था लेंस लो, आप लोगों को मैंने लास्ट क्लास में बताया था लेंस लो मैंने बताया था आप लोगों को इफेक्ट अपोज द कोज। मैंने बताया था आप लोगों को कि लेंस लॉ के अकॉर्डिंग जो इफेक्ट होगा, जो प्रभाव होगा, वो मेरा अपोज करेगा किसका कोज का। इफेक्ट अपोज कोज, यानी कि प्रभाव मेरा कारण का क्या करेगा? अपोज। तो यहां पर आप लोग देखो कारण क्या है, कारण है इंक्रीज। किस में इंक्रीज? आई में। अगर यहां पर आप लोग देखो जो मेरा कारण है, कारण क्या है मेरा? आई में इंक्रीज, या आई की वैल्यू में चेंज। और उसका प्रभाव क्या है? उसका प्रभाव है कि यहां पर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। क्या इंड्यूस होगा? एक ईएमएफ। यहां पर एक ईएमएफ मेरा इंड्यूस होगा अगर मेरा यहां पर करंट चेंज होगा, जो मेरा कारण होगा। कारण क्या होगा? चेंज इन करंट। जो मेरा यहां पर कारण होगा मेरा चेंज इन करंट, और जो उसका प्रभाव होगा मेरा ई।
तो ये ई अपने आप में इस डायरेक्शन में बनेगा, ये ई इस डायरेक्शन में बनेगा किसके अनुसार, लेंस लॉ के अनुसार ये ई उस डायरेक्शन में बनेगा कि ये इस करंट की चेंज होने वाली वैल्यू का अपोज कर सके, क्या कर सके, अपोज कर सके, किस चीज का अपोज कर सके कि जब इस करंट की वैल्यू चेंज हो रही है तो उस चेंज का अपोज कर सके। हम लोगों ने माना है कि करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, और अगर करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो उसके प्रभाव के कारण ईएमएफ की वैल्यू इंड्यूस होगी, ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो वो ईएमएफ उस डायरेक्शन में होगा जिससे कि करंट की इंक्रीज होती वैल्यू का क्या कर सके, अपोज। अब अपोज कैसे करेगा भाई, तो जाहिर सी बात है इस ईएमएफ को इस डायरेक्शन में बनना चाहिए, इस ईएमएफ को इस डायरेक्शन में बनना चाहिए कि ये इस बढ़ते हुए करंट को रोके, और बढ़ते हुए करंट को कैसे रोकेगा, ये जरूर ये एक करंट इस ईएमएफ के कारण, इसमें जो एक ईएमएफ इंड्यूस होगा उसके कारण जो करंट फ्लो होना चाहिए वो फ्लो होना चाहिए इसके अपोज। भाई कम करना है ना, बढ़ता हुआ करंट को अपोज करना है, तो बढ़ किस डायरेक्शन में रहा, इस डायरेक्शन में, तो इसका अपोज करना है, तो अपोज करने के लिए इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक करंट फ्लो होगा, वो किसके कारण होगा, ईएमएफ के कारण, किसके कारण है, ईएमएफ के कारण। तो हम लोग कह सकते हैं कि किसी कोइल में इस चेंज इन करंट के कारण, किसी कोइल में इस चेंज इन करंट के कारण एक ईएमएफ जनरेट होगा, और वो ईएमएफ इस डायरेक्शन में होगा कि वो इस चेंज होने वाले करंट का क्या कर सके, अपोज। उसके लिए जरूरी है अगर करंट इंक्रीज हो रहा होगा तो ये ईएमएफ इसके अपोजिट करंट फ्लो कराएगा। और यदि सपोज सेकंड केस हम लोग यदि बात करें, ये मेरा कोइल है, यहां पर मेरा कोई करंट है आई, अब मैं कह देता हूं कि भाई आई की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, अब यदि मैं बोल देता हूं कि आई की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो आई की वैल्यू कम हो रही है, तो कम हो रही होगी, कम का अपोज करेगा ना, कम होने का अपोज करेगा, वो कोशिश करेगा उसे होल्ड रखने की, तो यहां पर वैल्यू कम हो रही है, कम होने को रोकेगा, तो कम होती हुई वैल्यू को कैसे रोक सकता है, जाकर उसमें ऐड हो जाए। तो अब ये जब ऐड होगा तो इसका जो ईएमएफ होगा वो ईएमएफ इस डायरेक्शन में होगा कि उस ईएमएफ के कारण एक करंट फ्लो हो, और वो करंट इस करंट के साथ, इस ओरिजिनल या प्राइमरी करंट के साथ क्या हो जाए, ऐड। तो ऐड होने के लिए जरूरी है, ऐड होने के लिए जरूरी होगा कि वो जो मेरा करंट होगा वो करंट की डायरेक्शन मेरी किधर होनी चाहिए, इधर, इस प्रकार से। तो आप लोग यहां पर देख सकते हो कि यदि आप लोग यहां पर देख सकते हो कि अगर करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही होगी तो ईएमएफ उस करंट का अपोज करेगा, इसलिए एक अपोजिट डायरेक्शन में करंट बनाएगा। अगर करंट की वैल्यू डिक्रीज हो रही होगी तो ईएमएफ ऐड हो जाएगा, ईएमएफ एक ऐसा करंट इंड्यूस करेगा कि वो इस करंट के साथ, ओरिजिनल करंट के साथ क्या हो जाए, ऐड। अब अगर आप इस सब का जो प्रिंसिपल है वो जानो, ये ऐड हो रहा है, ये सबट्रैक्ट हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, ये ऐड हो रहा है सेम डायरेक्शन में, अल्टीमेटली कोशिश क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि इस प्राइमरी करंट की वैल्यू चेंज ना हो, कोशिश कर रहा है कि इस प्राइमरी करंट की वैल्यू चेंज ना हो। तो हम लोग कह सकते हैं कि यदि मैं सेल्फ इंडक्शन की बात करूं, तो सेल्फ इंडक्शन का मतलब हुआ किसी कोइल की वह प्रॉपर्टी, जो अपने अंदर से चेंज होने वाले करंट का क्या कर सके, अपोज। यानी कि ये मेरा कोई कोइल है, इस कोइल की वह प्रॉपर्टी जिसके कारण यह अपने अंदर से फ्लो होने वाले करंट के चेंज का क्या करेगा, अपोज। उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहेंगे, सेल्फ इंडक्शन। तो यहां पर कह सकते हैं सेल्फ इंडक्शन को कोइल की वह प्रॉपर्टी जिसके कारण कोइल अपने अंदर से फ्लो होने वाले करंट का अपोज कर सके। ठीक दोस्तों,
तो किसी कॉइल की वह प्रॉपर्टी जिसके कारण वह अपने अंदर से फ्लो होने वाले करंट के चेंज का अपोज कर सके, उसे हम लोग क्या कहेंगे, सेल्फ इंडक्शन। और वो अपोज, वह जो कॉइल होगी वह अपोज कैसे करेगी, वह अपोज करने के लिए एक अपना ईएमएफ इंड्यूस करेगी और वो ईएमएफ उस डायरेक्शन में होगा। अगर करंट बढ़ रहा होगा तो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और यदि करंट घट रहा होगा तो ओरिजिनल करंट के साथ सेम डायरेक्शन में होगा। आप लोग लिख लेना कहीं पर, यदि करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही होगी, जैसे कि केस फर्स्ट है यहां पर, यदि करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही होगी तो इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण प्राइमरी करंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक, इसी प्रकार से पॉइंट टू भी आप लोगों को कहीं पर नोट डाउन कर लेना। यदि करंट की वैल्यू केस टू जैसे यहां पर बताया आप लोगों को मैंने, यदि करंट की वैल्यू डिक्रीज हो रही होगी तो इंड्यूस्ड करंट, समझ जाओगे आप, इंड्यूस्ड या मैं इंड्यूस्ड करंट एक ही बात है, तो इंड्यूस्ड करंट प्राइमरी करंट के साथ ऐड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, या एक कोइल है, इस कोइल में करंट फ्लो रहा आई और जिसकी वैल्यू लगातार क्या हो रही है, चेंज। भाई चेंजिंग करंट होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो एक ईएमएफ बनेगा, और ईएमएफ इस डायरेक्शन में बनेगा जिससे कि लेंस लॉ के अनुसार ओरिजिनल करंट का चेंज का क्या कर सके, अपोज, जैसा बढ़ा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी है मैंने आपको जस्ट अभी जो बताया है उस तरीके से। अब यदि आगे हम लोग बात करें तो आप लोग फैराडे का सेकंड नियम जानते हो, आप जानते हो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई अपॉन डी टी, सब लोग जानते हो फैराडे का जो सेकंड नियम है, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई अपॉन डी टी, यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। अब हम लोग कह सकते हैं भाई फाई यहां पर किस पर डिपेंड करेगा, फाई जो मेरा होगा वो डिपेंड करेगा आई पर। अगर आई का ज्यादा होगा, करंट ज्यादा होगा तो फ्लक्स भी उतना ही ज्यादा होगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि फाई विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो इसी प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो हो जाएगा डी आई अपॉन डी टी, कैपिटल आई से डिनोट कर लीजिए चाहे आप लोग यहां पर, सेम रहे इसलिए। तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी आई अपॉन डी टी। ठीक दोस्तों, उसी तरह से मैं यहां पर E इक्वल टू लिख सकता हूं L इंटू डी आई अपोन डी टी। भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटेगा और एक कॉन्स्टेंट लगेगा, और यहां पर जो कॉन्स्टेंट लग रहा है उस कॉन्स्टेंट का जो नाम है वो नाम है L। अब माइनस भी लगा लीजिए भाई, माइनस किस लिए लेंस ला। ये जो ईएमएफ होगा ये चेंज का अपोज करेगा, इस वजह से यहां पर साइन कैसा है, माइनस। तो ये जो मेरा यहां पर कॉन्स्टेंट आया है एल, इस कॉन्स्टेंट को मैं बोलता हूं कोफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ये भी शॉर्ट में आप लोग जानोगे, इतना बड़ा ना लिखकर, पेपर में जनरली सेल्फ इंडक्टेंस आता, किसी कोइल का सेल्फ इंडक्टेंस इतना है, तो उसका मतलब वही होता है कोफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। अब यदि मैं बात करूं यहां से L, L बराबर होता है मेरा, हो जाएगा E अपोन
माइनस साइन छोड़ दीजिए, वो तो सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए है, ई अपोन डी आई अपोन डी टी, एल बराबर मेरा हो जाएगा ई अपोन डी आई अपोन डी टी। अब देखो भाई, आप लोगों को एल डिफाइन करना है, हमें कोफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस या फिर सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो डिफाइन करना है, तो उसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है मेरी ई अपॉन डी आई अपॉन डी टी। तो यहां पर कह सकते हो, यहां पर कह सकते हो यदि भाई इसकी वैल्यू मैं एक कर दू, यदि मैं इसकी वैल्यू डी आई अपॉन डी टी की वैल्यू एक कर दू, तो जो मेरा एल होगा दिस गिव्स एल इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, ई एम एफ या फिर ई के। तो हम कह सकते हैं यदि किसी कोइल से रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, यदि किसी कोइल से रेट ऑफ, भाई डी आई अपॉन डी टी को अगर आप लोग टेक्निकली वर्ड में बात करें तो इसे हम बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। यदि किसी कोइल में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट की वैल्यू यूनिटी हो, यदि किसी कोइल में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट की वैल्यू यूनिटी हो, वन हो, तो जो उसका इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो किसके इक्वल होगा, कोफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या फिर सेल्फ इंडक्टेंस। तो मैं कह सकता हूं यदि किसी कोइल में डी आई अपॉन डी टी की वैल्यू वन होगी, यदि किसी कोइल में डी आई अपॉन डी टी की वैल्यू वन होगी, तो जो मेरा वहां पर ईएमएफ होगा, जो उस कोइल के अंदर इंड्यूस होने वाला ईएमएफ होगा, वो किसके इक्वल होगा, कोफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो लिख लीजिए आप लोग कहीं पर यदि किसी कोइल में डी आई अपॉन डी टी इक्वल टू वन हो, यदि किसी कोइल में डी आई अपॉन डी टी इक्वल टू वन हो, डी आई अपॉन डी टी इक्वल टू वन हो, तो उस कोइल में इंड्यूस होने वाला ईएमएफ, तो उस कोइल में इंड्यूस होने वाला ईएमएफ, तो उस कोइल में इंड्यूस होने वाला ईएमएफ उस कोइल के सेल्फ इंडक्टेंस के इक्वल होगा, उस कोइल के सेल्फ इंडक्टेंस के इक्वल होगा। ठीक दोस्तों, आगे हम एल की यूनिट की यदि बात करें, सेल्फ इंडक्टेंस की जो मेरी यूनिट है, अगर मैं यूनिट की बात करूं तो यहां से जो एल मेरा आया है, एल इक्वल टू आया है ई अपॉन डी आई अपॉन डी टी, ई अपॉन डी आई अपॉन डी टी। तो यहां से एक यूनिट की बात करूं, ईएमएफ की यूनिट क्या हो जाएगी, वोल्ट, है ना, ईएमएफ की यूनिट वोल्ट, और डी आई अपॉन डी टी की एम्पियर पर सेकेंड। भाई डीआई की क्या हुआ एम्पियर, डीटी की क्या हुई सेकंड, तो एम्पियर पर सेकंड। तो यहां से यूनिट आ सकती है मेरी वोल्ट इंटू सेकंड अपॉन एम्पियर। ठीक दोस्तों, और इसी का एक बहुत ही फेमस नाम होता है, इसी यूनिट की एक फेमस एसआई यूनिट होती है जिसे बोलते हैं हम हेनरी, रिप्रेजेंट करते हैं एच से। तो एल की आप लोग देख लेना, अगर यूनिट पर क्वेश्चन आता है, बेसिकली एसएससी जेई वगैरह में बड़े क्वेश्चन आते हैं यूनिट को लेकर, यूनिट ऐसा नहीं कि बिल्कुल सिंपल यूनिट देते हैं, किसी फॉर्मूले से बेस यूनिट वहां पर देते हैं आपको, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होगा तो आप लोग इजिली यूनिट को ड्राइव कर सकते हो वहां से। तो हम लोग यहां पर यदि बात करो ई की बात करें तो वोल्ट, डी अपॉन डी टी की बात करें एम्पियर पर सेकंड, तो सेकंड ऊपर चले जाएगा वोल्ट इंटू सेकंड पर एम्पियर। तो एल की एक यूनिट तो हो जाएगी वोल्ट इंटू सेकंड पर एम्पियर, और दूसरी जो स्टैंडर्ड, जिस तरह हम टेस्ला की बात कर रहे थे वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, लेकिन एक वेबर पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू वन टेस्ला, उसी प्रकार से वन वोल्ट सेकंड पर एम्पियर इक्वल टू वन हेनरी। ठीक दोस्तों, ये थी इसके एल के यूनिट की बात। ईएमएफ का फैराडे का जो सेकंड नियम था वहां पर पढ़ा था ई इक्वल टू माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी, ये आप लोगों ने पढ़ा था। इसी प्रकार से अभी अभी आपने पढ़ा ई बराबर माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, ये भी तो पढ़ा है भाई। ठीक, इसी चीज को यदि मैं लिखना चाहूं तो यहां से लिख सकते हैं एन इंटू डी, सॉरी एन को यदि मैं अंदर ले लूं, ब्रैकेट के कॉन्स्टेंट है, डिफ्रेंसिएशन के अंदर जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मैथमेटिकली, तो इसे लिख सकता हूं मैं डी इंटू एन फाई अपॉन डी टी। ठीक, यहां पर इसी प्रकार से लिख सकता हूं मैं
डी इंटू एल आई अपॉन डी टी, चूंकि एल बी कॉन्स्टेंट है, क्योंकि एल बी कॉन्स्टेंट है। इसी प्रकार से यहां से ये दोनों चीज ई एम एफ इक्वल टू ई एम एफ, तो ये चीज इसके बराबर कह सकते हैं हम लोग। यहां से ये डेरिवेटिव कट सकता है, तो यहां पर मुझे मिलेगा एन फाई इक्वल टू एल इंटू आई, या फिर यहां से एल इक्वल टू हम लोग कह सकते हैं एन फाई अपॉन आई। मीन्स किसी कोइल का सेल्फ इंडक्टेंस, किसी कोइल का सेल्फ इंडक्टेंस उस कोइल से टोटल लिंक्ड फ्लक्स। भाई फाई क्या हो गया, एक टर्न से कनेक्टेड फ्लक्स है, एन फाई मतलब एन टर्न से कनेक्टेड फ्लक्स है। यदि टर्न वन ही होगा तो यहां पर एन की वैल्यू वन हो जाएगी। एन का मतलब हुआ, जैसे सपोज ये मेरा कोइल है, ये इसमें एक दो तीन चार पांच छह कुछ इस तरह से एन टर्न है। यदि एक कोइल से लिंक्ड फ्लक्स फाई है तो टोटल कोइल से जो लिंक्ड फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा, एन फाई, जिस तरह यहां पे लिखा। तो एल बराबर आएगा मेरा एन फाई अपॉन आई, यानी कि टोटल कनेक्टेड फ्लक्स अपॉन उस कोइल से फ्लो होने वाला करंट। ये किसकी वैल्यू हो गया हमारे, एल की। यहां से भी एक यूनिट आप लोग ड्राइव कर सकते हो, यहां पर जो वैल्यू होगी टोटल लिंक्ड फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, वेबर, क्या होगी, वेबर। और आई की क्या होती है, एम्पियर। तो एल की एक और यूनिट हो सकती है और वो यूनिट होगी मेरी वेबर पर एम्पियर। तो आप लोग यहां पर देख लीजिए, एल की तीन यूनिट हमने अभी अभी ड्राइव कर चुके हैं। एक तो हमने निकाली थी वोल्ट इंटू सेकेंड पर एम्पियर, एक हमने स्टैंडर्ड लिया हेनरी, और एक और यूनिट आ रही है यहां पर वेबर पर एम्पियर। ठीक दोस्तों, आगे हम लोग एल की बात करते हैं, सोलेनोइड हम लोग जानते हैं, आप लोग जानते होंगे सोलेनोइड क्या होता है। कुछ नहीं होता, एक कोई कोइल होती है, उस कोइल के जो कंटिन्यूअस टर्न होते हैं उससे क्या बनता है मेरा, सोलेनोइड। सब लोग जानते होंगे, बेसिकली सेवंथ एट क्लास में आप लोगों को पढ़ाया जाता है सोलेनोइड के बारे में, थोड़ा बहुत बताया जाता है कुछ इस तरह से। ये जो कोइल है इस तरह से लपेटी गई है, तो इसे हम लोग बोलेंगे सोलेनोइड। तो जो सोलेनोइड होता है, सेल्फ इंडक्शन या फिर कह लो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड, देखिए आप लोग यहां पर, मुझे पता है, हम लोगों को पता है और पता होना भी चाहिए आप लोगों को, कि जो कोई सोलेनोइड जो होता है, सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी होती है, उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई अपॉन एल। म्यू नॉट परमिबिलिटी, एन मतलब नंबर ऑफ टर्न, और आई मतलब करंट, और एल मतलब लेंथ ऑफ कोर। ठीक दोस्तों, किसी भी सोल्यू यहां पर लिख लेना आप लोग, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड, जो सोलेनोइड होता है उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, कहीं कहीं पर बुक पर बी इक्वल टू म्यू नॉट एन इंटू आई ये भी लिखा होता है, तो वो कुछ नहीं होता। यदि इस एन को आप नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ मानोगे, तो मेरा एन आ जाएगा, और अगर एग्जैक्ट नंबर और पर यूनिट लेंथ लिखोगे तो इस तरह से एन अपॉन एल। तो बुक में ये भी देखने को मिल सकता है आपको, ये भी देखने को मिल सकता है, लेकिन जब ये लिखा होगा तो यहां पर इस एन का मतलब होगा नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, और यहां पर एन नंबर ऑफ टर्न, एल मैंने अलग अलग सेपरेटली ले लिया इस प्रकार से। तो किसी भी सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी होगी उसकी वैल्यू होगी म्यू नॉट एन आई अपॉन एल। ठीक, ये किसी भी सोलेनोइड के अंदर जो है, मेरा कितना मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी होना चाहिए, म्यू नॉट एन आई अपॉन एल। अब देखिए दोस्तों, आप लोग जानते हो कि मेरा जो फाई होता है, फाई इक्वल टू बी ए कोस थीटा होता है, और यदि थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो, बी और ए एरिया परपेंडिकुलर जो एरिया का वो नॉर्मल पैरेलल हो, यानी कि यहां पर ये इस तरह से जा रहा है फील्ड लाइन, यदि इस तरह से पैरेलल जा रही होगी, इसका प्लेन हो गया, तो एग्जैक्टली जो उसका प्लेन का परपेंडिकुलर और फील्ड लाइन होगी दोनों सेम डायरेक्शन में होगी, दोनों के बीच एंगल 0 होगा। जब एंगल 0 होगा तो कोस 0 कितना होगा, 1, तो फाई इक्वल टू आ जाएगा मेरा यहां पर बी इंटू ए। तो दिस गिव्स फाई इक्वल टू बी ए है, तो बी इक्वल टू हो जाएगा मेरा फाई अपॉन ए। ठीक दोस्तों,
तो ये वाली जो चीज होगी ये इसके इक्वल होनी चाहिए भाई, वो भी है और फाई अपॉन ए जो आएगा वो भी मेरा भी होगा। तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं, यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि फाई अपॉन ए, कि फाई अपॉन ए इक्वल्स टू म्यू नोट एन आई अपॉन एल। थोड़ा सा और सोल्व कर लो आप लोग, ए को अगर मैं इधर लेकर जाऊं तो यहां पर हो जाएगा फाई इक्वल्स टू म्यू नोट एन आई इंटू ए अपॉन एल। ठीक दोस्तों, और एल की यदि बात करो, एल मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया कि एल इक्वल्स टू होता है मेरा एन इंटू फाई अपॉन आई। एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, फाई मतलब फ्लक्स, फ्लक्स लिंक्ड थ्रू वन कोइल, ठीक, और आई मतलब करंट। ठीक, सोलेनोइड का जो एल होगा, इंडक्टेंस होगा, वो होगा एल इक्वल्स टू म्यू नोट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। यहां पर ध्यान देना आप लोग, म्यू नोट का मतलब परमेबिलिटी, एन का मतलब हुआ नंबर ऑफ टर्न, ए का मतलब हुआ एरिया ऑफ कोर, और एल का मतलब हुआ लेंथ ऑफ कोर। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है आप लोग दो तीन चीज जो है आप लोगों को ऑब्जर्व करनी होनी चाहिए, आप लोगों की भी होगी शायद आप लोगों ने, जो एल की वैल्यू है, एल वैसे तो एक कॉन्स्टेंट है, एल वैसे तो एक कॉन्स्टेंट है, किसी मटेरियल की कह सकते हो किसी कोइल की प्रॉपर्टी है, परंतु जो इसकी वैल्यू होगी, एल की वैल्यू मेरी डिपेंड कर रही है किस पे, नंबर ऑफ टर्न्स पे, एरिया और लेंथ। इसका मतलब एल जो डिपेंड कर रहा है मेरा, वो कर रहा है मेरा साइज बाई एरिया, और अगर आप एरिया लेंथ की बात करो तो साइज का पार्ट हुआ, तो एरिया जो एल मेरा, जो मेरा सोलिनोइड या कहीं भी जनरल एल जो मेरा डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा साइज एंड शेप। आपने ध्यान देना, आपने जो यहां पर एल निकाला है वो किसका निकाला है, सोलिनोइड का। हो सकता शेप कुछ और होती तो बी की वैल्यू कुछ और होती, और बी की वैल्यू कुछ और आती तो एल की वैल्यू कुछ और आती। तो जो मेरा एल होगा, जो इंडक्टर होगा, इंडक्टर की वैल्यू डिपेंड करेगी किस पे, शेप एंड साइज, किस पर, शेप एंड साइज, या ज्योमेट्री भी कह सकते हो, या शेप की जगह ज्योमेट्री भी कह सकते हो, किस तरह से वो बनाया गया ये कह सकते हो आप लोग। तो मैं कह सकता हूं कि जो एल की वैल्यू होगी वो डिपेंड करेगी किस किस पर, साइज एंड शेप पर। दोस्तों सेल्फ इंडक्शन के बाद अब हम लोग बात करेंगे म्यूचुअल इंडक्शन की। म्यूचुअल इंडक्शन कल भी आप लोगों से बात हुई थी म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में, लेकर सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ को लेकर, ठीक इसी प्रकार से हो क्या रहा था कल भी दोस्तों, मैं आप लोगों को बता रहा था, सपोज ये मेरा कोई कोइल है, सपोज ये मेरा कोई कोइल है और ये कोई अन्य कोइल है, यहाँ पर कोइल टू, इसे वन कह लीजिए, हालांकि कल शायद इसे वन माना था, लेकिन ठीक है आप कुछ भी कह सकते हैं, इसे वन मान लीजिए, इसे कोइल टू मान लीजिए। यहां पर सपोज एसी सोर्स लगा हुआ, या आई चेंजिंग, यानी कि यहां पर जो कोइल वन है उस कोइल वन में एक सोर्स लगा हुआ है एसी सोर्स, जिसके कारण करंट की वैल्यू लगातार क्या हो रही है, चेंज। ये मेरा कोइल टू है, यहां पर आप गैल्वेनोमीटर लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए, सोर्स थ्रू द लोड कर लीजिए, चाहे दोनों ही सेम बात होगी। तो दोस्तों यहां पर चूंकि करंट एसी है, चूंकि करंट की वैल्यू लगातार चेंज हो रही होगी, तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर फ्लक्स की वैल्यू भी लगातार क्या हो रही होगी, चेंज। और जब फ्लक्स की वैल्यू लगातार चेंज होगी, तो वही फ्लक्स, जो फ्लक्स इसका अपना फ्लक्स रहा होगा, वही कोइल टू से लिंक हो रहा होगा, और चूंकि इसका अपना फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब कोइल टू से लिंक होने वाला फ्लक्स भी चेंज हो रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोइल टू में एक ईएमएफ जनरेट हो रहा है, किसके कारण, कोइल वन के चेंजिंग करंट के कारण। तो यहां पर यदि यहां पर बात करो कारण है, तो कारण रहा होगा यहां पर कारण रहा होगा आई वन कह लीजिए, कोइल वन का करंट। और अगर यहां पर प्रभाव की बात करो, तो प्रभाव होगा यहां पर ई एम एफ इन कोइल टू। तो यानी कि यहां पर कारण कौन रहा होगा, आई वन, ये करंट चेंज हुआ, जिसके कारण ये फ्लक्स चेंज हुआ, यही फ्लक्स इससे लिंक्ड है, ये वाला फ्लक्स चेंज हो रहा, तो इस वजह से इस कोइल में क्या जनरेट हो रहा है, एक ई एम एफ। और उस ई एम एफ की ई टू की डायरेक्शन लेंथ लॉ के अकॉर्डिंग कैसी होनी चाहिए, कि वो इस आई वन का, वो इस चेंज का क्या कर सके, अपोज। तो अगर हम लोग बात करें म्यूचुअल इंडक्शन की, तो म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब होगा किसी कोइल की वह प्रॉपर्टी, किसी कोइल की वह प्रॉपर्टी जो अपने आसपास या अपने मैग्नेटिक कपलिंग वाली दूसरी कोइल, हम कह सकते हैं किसी कोइल की वह प्रॉपर्टी जो अपने आसपास रखी किसी अन्य कोइल में,
कोइल टू की वह प्रॉपर्टी जो किसी आसपास रखी अन्य कोइल में करंट के चेंज का क्या करे, अपोज, उसे हम क्या कहेंगे, म्यूचुअल इंडक्शन। उसे हम लोग क्या कहेंगे, म्यूचुअल इंडक्शन। जिस प्रकार से आप लोग E बराबर माइनस एल डी आई अपोन डी टी पढ़ रहे थे, यहां पर उसी प्रकार से आप लोग कह सकते हो ई एम, इसे बोल दीजिए ई एम, म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। कोइल टू में होगा म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल्स टू माइनस एल, किस कोइल के करंट के कारण हो रहा है, किस कोइल के करंट के, सॉरी कह सकते हो आप ईएम इक्वल्स टू होगा ये जो यहां पर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है किस कोइल के करंट के कारण हो रहा है, कोइल वन के करंट के कारण। तो मैं लिखूंगा इक्वल्स टू डी आई वन अपॉन डी टी, और यहां पर मैं एल की बजाय, चूंकि यहां पर सेल्फ इंडक्शन नहीं है, यहां पर म्यूचुअल इंडक्शन है, तो यहां पर लिखूंगा माइनस एम। जिस प्रकार से हम सेल्फ इंडक्शन में ई इक्वल्स टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी रख रहे थे, उसी प्रकार से हम म्यूचुअल इंडक्शन में ई बराबर माइनस एम, माइनस एम, एम दिखाएगा म्यूचुअल को, एल दिखा रहा था सेल्फ को, तो एम दिखाएगा म्यूचुअल को। लेकिन यहां पर दोस्तों ध्यान देना, अगर मैं कोइल, इस कोइल में ईएमएफ की बात कर रहा हूं, तो करंट कौन सी कोइल का चेंज हो रहा होगा, किसी अन्य कोइल का, किस में, म्यूचुअल इंडक्शन में। तो इसलिए ईएमएफ ईएमएफ बराबर हो जाएगा, ईएमएफ ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन हो जाएगा मेरा माइनस एम डी आई वन अपॉन डी टी। आप लोग यदि लिखना चाहे कहीं पर तो लिख लीजिए, आप लोग म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में लिख लीजिए, किसी कोइल की वह प्रॉपर्टी, किसी कोइल की, किसी कोइल की वह प्रॉपर्टी, किसी कोइल की वह प्रॉपर्टी जो अपने आसपास की, जो अपने आसपास की, जो अपने आसपास की किसी अन्य कोइल के, जो अपने आसपास की किसी अन्य कोइल के करंट के चेंज का, किसी अन्य कोइल के करंट के चेंज का अपोज करता हो, किसी अन्य कोइल के करंट के चेंज का अपोज करता हो, उसे उसे म्यूचुअल इंडक्शन, उसे उसे म्यूचुअल इंडक्शन कहेंगे, उसे म्यूचुअल इंडक्शन कहेंगे, उसे म्यूचुअल इंडक्शन कहेंगे। ठीक, तो ई एम बराबर होगा माइनस एम डी आई वन अपॉन डी टी, और यहां पर जो एम होगा, एम को हम लोग कहेंगे कोफिशियंट ऑफ, एम को हम लोग कहेंगे कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल, कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, या फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस, या फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस। जिस प्रकार से वहां पर कोफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्शन या फिर सेल्फ इंडक्टेंस लिखा जा रहा था, इसी प्रकार से यहां पर कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस लिखा जाएगा। ठीक, अब अगर डेफिनेशन की बात करें तो जिस प्रकार से हम लोगों ने एल डिफाइन किया था, उसी प्रकार से हम लोग एम डिफाइन कर सकते हैं। एम इक्वल टू होगा मेरा ई अपोन माइनस, या माइनस भी हटा दीजिए आप लोग, डी आई वन अपोन डी टी। ठीक, डी आई वन अपोन डी टी। यदि यदि कोइल वन में, आप लोग अपने साइड से लिख लेना जैसे मैंने फर्स्ट का लिखाया था, इसी प्रकार से ये होगा, यदि कोइल वन में, यदि कोइल वन, यदि कोइल वन में करंट चेंज का जो रेट है, यदि कोइल वन में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इक्वल टू 1 एम्पीयर पर सेकंड हो, यदि कोइल वन में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इक्वल टू 1 एम्पीयर पर सेकंड हो, तो कोइल टू में जनरेट होने वाला ईएमएफ, तो कोइल टू में जनरेट होने वाला ईएमएफ म्यूचुअल इंडक्टेंस के इक्वल होगा। ठीक दोस्तों, ये बात थी जो मेरी म्यूचुअल इंडक्टेंस की थी। और अगर हम लोग यूनिट की बात करें, अगर हम लोग यूनिट की बात करें, तो जो मेरा यूनिट होगा, यूनिट हम लोग कह सकते हैं जो मेरा एल का था, जो मेरा एल का था, वही सब यूनिट किसकी होगी, एम की, वही सब यूनिट किसकी होगी, एम की, यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस की। एल जो मेरा था, एल डिपेंड कर रहा था दोस्तों, एल जो मेरा डिपेंड कर रहा था शेप एंड साइज पर। मेरा जो एम होगा, एम भी जो मेरा डिपेंड करेगा, वो करेगा शेप भी बोल सकते हो आप लोग, साइज भी बोल सकते हो, ज्योमेट्री भी बोल सकते हो, और या फिर ज्योमेट्री के साथ साथ या फिर क्या बोल सकते हो हम लोग, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन के बारे में बात होगी, अभी बताऊंगा ओरिएंटेशन का मतलब आपको क्या रहा होगा। ठीक, तो जो एम होगा, एम की वैल्यू डिपेंड करेगी शेप, साइज या ज्योमेट्री के लिए या फिर ओरिएंटेशन पर। ठीक, हम सोलेनोइड की बात कर लेते हैं। सोलेनोइड के लिए मैंने आपको एल बताया था,
सोलिनोइड के लिए मैंने आपको L बताया था, L की वैल्यू बताई थी सोलिनोइड के लिए म्यू नोट इंटू एन स्क्वायर इंटू ए अपोन एल। यहां पर क्या होगा, जब बात म्यूचुअल इंडक्टेंस की हो रही होगी तो निश्चित तौर पर दो कोइल के बीच कपलिंग की बात रही होगी। सोलिनोइड की अगर L की बात करूं मैं, यदि मैं L की बात करूं तो सिंगल कोइल है और तो सिंगल ही टर्न होंगे, इसलिए टर्न का क्या हो गया सिंपल स्क्वायर, याद रखने के तौर पर मैं आप लोगों को बता रहा हूं। लेकिन अगर मैं सोलिनोइड के म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करूं तो जो मेरा म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वो म्यूचुअल इंडक्टेंस हो जाएगा मेरा एम इक्वस टू म्यू नोट इंटू एन वन इंटू एन टू इंटू ए अपोन एल। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, वहां पर कोइल एक थी तो नंबर ऑफ टर्न का स्क्वायर भी एक ही कोइल का होगा, लेकिन यहां पर कोइल दो है तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा एन वन इंटू एन टू। तो आप लोग यहां पर देख सकते हो कि म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होगा मेरा एरिया पर डिपेंड कर रहा है, एल पर डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब शेप पर डिपेंड कर रहा है, साइज पर डिपेंड कर रहा है, ज्योमेट्री ओरिएंटेशन की बात बताएंगे हम लोग आपको भी थोड़ी देर बाद। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, थोड़ा सा इंडक्टर के बारे में और जान लेते हैं, सिंपल सर्किट सॉल्व कर लेते हैं इंडक्टर के, जिस तरह से बेसिकली कभी कभी क्वेश्चन पेपर में जो है आ जाता है कभी कुछ, तो उस तरह के क्वेश्चन हम कर लेते हैं कि सीरीज में इंडक्टर क्या होगा, पैरेलल में इंडक्टर क्या होगा, वही सब। इंडक्टर इन सीरीज, इसकी बात कर लेते हैं पहले। ये मेरा कोई इंडक्टर है, इस तरह से इंडक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है। आर का आप लोगों को बेसिक इलेक्ट्रिकल में पढ़ाया होगा, आर मेरा इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, सी मेरा इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि एल या इंडक्टर जो मेरा है इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये मेरा दोस्तों इंडक्टर है, सपोज ये कह लेते हैं हम लोग L1, L2, L3। तो जो सीरीज में इंडक्टर इंडक्टेंस होगा L इक्विवेलेंट हम लोग कह सकते हैं, ठीक जिस प्रकार से रेजिस्टेंस होता है अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो R1+R2+R3 हो रहा था, उसी प्रकार से जो मेरा इंडक्टेंस होगा अगर सीरीज में है तो L1+L2+L3 होगा। ठीक दोस्तों, इसी प्रकार से यदि पैरेलल में तीन इंडक्टर है, ये मेरा एक इंडक्टर है, यहाँ पर ये मेरा कोई दूसरा इंडक्टर है, ये मेरा कोई तीसरा इंडक्टर है, यदि इस प्रकार से पैरेलल में है तो वहां पर जो मेरा इंडक्टेंस होगा L1, L2, L3 नाम से अगर कहा जाए, तो जिस तरह से रेजिस्टेंस हो रहा था 1/L=1/L1+1/L2+1/L3, सेम कहानी है, जिस प्रकार से रेजिस्टेंस की कहानी थी उसी प्रकार से इंडक्टेंस की कहानी होगी, जिस प्रकार से सीरीज में रेजिस्टेंस सीधा सीधा जोड़ दिया जा रहा था उसी प्रकार से इंडक्टर को भी सीधा सीधा जोड़ दिया जाएगा, जिस प्रकार से पैरेलल में 1/R=1/R1+1/R2+1/R3 किया जा रहा था उसी प्रकार से इंडक्टर को भी सिंपली 1/L=1/L1+1/L2+1/L3 किया जाएगा। यहां तक बिल्कुल सिंपल है, थोड़े से कॉम्प्लिकेशन बढ़ा देते हैं, यदि थोड़े से कॉम्प्लिकेशन बढ़ा देते हैं, अगर मैं बात करूं यहां पर सेल्फ इंडक्टेंस की, तो इसका सेल्फ इंडक्टेंस L1 है, इसका सेल्फ इंडक्टेंस L2 है, इसका सेल्फ इंडक्टेंस L3 है, इक्विवेलेंट आपसे पूछा है तो तीनों को सीधा सीधा हम लोग क्या कर देंगे ऐड। लेकिन आप लोग जानिए एक चीज, आप लोग जानिए इंडक्टेंस किसके कारण आया, फ्लक्स के। इंडक्टेंस किसके कारण आया, फ्लक्स के। अगर सेल्फ की बात करूं तो खुद के फ्लक्स के कारण आया, लेकिन दोस्तों क्या रहा होगा, ये सपोज इसका कोई फ्लक्स है तो इसका फ्लक्स कहीं ना कहीं कुछ इस तरह से रहा होगा, आप लोग जान सकते हो इसका फ्लक्स कहीं ना कहीं कुछ इस प्रकार से रहा होगा, इसका जो फ्लक्स होगा वो अपने आप से जो लिंक्ड हुआ तो उसके कारण बना मेरा L2, लेकिन उस फ्लक्स का, इस फ्लक्स का कुछ पार्ट यहां और यहां भी कनेक्टेड रहा होगा, उसे हम लोग बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या बोलेंगे उसे, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो क्या हो सकता है यहां पर, यह भी हो सकता है, यहां पर
यहाँ पर यह हो सकता है यदि इस प्रकार से इंडक्टर मेरे गिवन है, इस प्रकार से इंडक्टर मेरे गिवन है, ये मेरा L1 हुआ, ये मेरा L2 हुआ, ये मेरा L3 हुआ, यहाँ से यहाँ इस प्रकार से M दिखा, इस पर यहाँ पर यहाँ से यहाँ इस प्रकार से यदि M रखा जाए या M माना जाए, M डिनोट किया जाए या M1 कह लीजिए आप इसे, और यहाँ पर इस प्रकार से इसे हम लोग M2 कह लेते हैं, और यहाँ पर इस प्रकार से ये चीज मेरी यहाँ पर M3 कह लेते हैं। इस प्रकार से इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि इसका फ्लक्स का M1 पार्ट यहां पर रहा होगा, इस फ्लक्स का M3 पार्ट यहां पर गया होगा। तो आप लोग देख सकते हो, एक चीज आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हो कि अब अगर मुझसे यहां पर टोटल यदि इसे कोइल 1 कह लीजिए, इसे कोइल 2, इसे कोइल 3, यदि मुझसे कोइल 1 का टोटल इंडक्टेंस पूछा जाए, यदि मुझसे कोइल 1 का टोटल इंडक्टेंस पूछा जाए तो वो जो होगा मेरा सेल्फ प्लस म्यूचुअल वो हो सकता है मेरा L1 होगा, वो तो सेल्फ हो गया, और प्लस M1 यहां से यहां कितना है M1, और प्लस यहां से यहां कितना है M3, कुछ इस प्रकार से रहा होगा। लेकिन एक बात और है यहां पर ये सेल्फ इंडक्टेंस, सपोज इसका फ्लक्स की डायरेक्शन ये थी, सपोज यहां से जो फ्लक्स आ रहा भाई इधर से इधर जा रहा, तो इधर से इधर भी आ रहा होगा, सपोज उसकी फ्लक्स ये हो जाती है, तो यहां पर रिजल्टेंट फ्लक्स क्या हो जाएगा, कम, और जब रिजल्टेंट फ्लक्स कम होगा तो इंडक्टेंस, टोटल इंडक्टेंस क्या होगा, कम, और कम के लिए यहां पर साइन क्या आएगा, माइनस। तो हम लोग दोस्तों यहां पर ये मैं जरूरी नहीं यहां पर प्लस लिखूं, ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, इसी प्रकार से प्लस भी हो सकता है, ये माइनस भी हो सकता है, लेकिन ये जो प्लस माइनस होगा ये डिपेंड करेगा कि फ्लक्स एडिटिव है, कि फ्लक्स एडिटिव है या सब्ट्रैक्टिव, कि फ्लक्स एडिटिव है या सब्ट्रैक्टिव, कुछ इस प्रकार से दोस्तों यहां पर डिपेंड करेगा कि फ्लक्स एडिटिव होगा कि सब्ट्रैक्टिव। यदि कोइल 1 और कोइल 2 का म्यूचुअल फ्लक्स एडिटिव है, यदि कोइल 1 और कोइल 2 का, या M1 कह सकते हो, इसके कारण कोइल 2 का फ्लक्स कोइल 1 के साथ एडिटिव है, तो इक्विवेलेंट हो जाएगा L1 प्लस M1। ठीक, इसी तरह से यदि यहां से यहां भी एडिटिव मान लेते हैं, सेम डायरेक्शन मान लेते हैं फ्लक्स की, तो यहां पर हो जाएगा L1 प्लस M1 प्लस M3। परंतु यदि सपोज मैं कहता हूं कि इसका और इसका फ्लक्स सेम डायरेक्शन में है, लेकिन इसका और इसका फ्लक्स अपोजिट डायरेक्शन में है, इन दोनों का फ्लक्स सेम डायरेक्शन में है लेकिन इसका और इसका अपोजिट डायरेक्शन में है, तो आप लोग देखना ये यहां पर प्लस होगा, लेकिन यहां से यहां जब म्यूचुअल आएगा ये क्या हो जाएगा, माइनस। तो सही आंसर होगा L1 प्लस M1 माइनस M3, L1 प्लस M1 माइनस M3। तो आप लोग कहीं पर नोट डाउन कीजिए, यदि लिख लीजिए आप लोग, यदि फ्लक्स एडिटिव होगा, यदि फ्लक्स एडिटिव ब्रैकेट में सेम डायरेक्शन में होगा, यदि फ्लक्स एडिटिव ब्रैकेट स्टार्ट सेम डायरेक्शन ब्रैकेट क्लोज में होगा तो कोइल 1 का टोटल इंडक्टेंस सेल्फ प्लस म्यूचुअल, तो कोइल 1 का टोटल इंडक्टेंस सेल्फ प्लस म्यूचुअल होगा, सेल्फ प्लस म्यूचुअल होगा। परंतु यदि दो कोइल का फ्लक्स अपोजिट डायरेक्शन में होगा
या सब्ट्रैक्टिव होगा या सब्ट्रैक्टिव होगा या सब्ट्रैक्टिव होगा तो उस केस में टोटल इंडक्टेंस, तो उस केस में टोटल इंडक्टेंस सेल्फ माइनस, तो उस केस में टोटल इंडक्टेंस सेल्फ माइनस म्यूचुअल होगा। सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं पहले हम, एक दो लिखिए आप लोग। दो कोइल जिनका सेल्फ इंडक्टेंस, दो कोइल जिनका सेल्फ इंडक्टेंस क्रमशः सिक्स हेनरी व नाइन हेनरी है और म्यूचुअल इंडक्टेंस थ्री हेनरी है तो दोनों कोइल को सीरीज में कनेक्ट करने पर इक्विवेलेंट इंडक्टेंस कितना होगा। केस फर्स्ट यदि दोनों कोइल का फ्लक्स एडिटिव हो। केस टू यदि दोनों कोइल का फ्लक्स सब्ट्रैक्टिव, इसे एडिटिव भी बोल सकते हैं, सेम डायरेक्शन में हो ये भी बोल सकते हैं, एक ही बात है दोस्तों, दोनों बातों का एक ही मतलब है, सेम डायरेक्शन। यहां सब्ट्रैक्टिव है तो इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन, ठीक। तो केस फर्स्ट कर लेते हैं दोस्तों। देखिए आप लोगों को एल इक्विवेलेंट निकालना है तो पहले तो आप कोइल फर्स्ट का लिखिए, कोइल फर्स्ट का इंडक्टेंस, ठीक, फिर प्लस कोइल, क्योंकि सीरीज में है, दोनों कोइल किस में कनेक्ट है, सीरीज में, तो कोइल टू का इंडक्टेंस। तो यहां पर आप लोग कह सकते हो कोइल वन का टोटल कितना होगा। अब आपने केस फर्स्ट में क्या लिया है, दोनों फ्लक्स को कैसा लिया, एडिटिव, तो कोइल फर्स्ट का टोटल हो जाएगा सेल्फ प्लस म्यूचुअल, सेल्फ कितना है इसका 6, म्यूचुअल कितना है 3। अब प्लस क्यों लिया है मैंने यहां पर, भाई ये मैंने सेल्फ प्लस म्यूचुअल प्लस लिखा है यहां पर, क्योंकि केस फर्स्ट के लिए, किसके लिए, ये क्वेश्चन फर्स्ट है, केस फर्स्ट है कि जहां पर फ्लक्स क्या हो रहे होंगे, एडिटिव, जब फ्लक्स एडिटिव हो रहे होंगे तो सेल्फ और म्यूचुअल भी आपस में ऐड होंगे, तो इसलिए इसका कितना है 6 प्लस 3। उसी तरह से कोइल टू का आप लोग लिख सकते हो, कोइल टू का भी चूंकि फ्लक्स एडिटिव है तो सेल्फ प्लस म्यूचुअल हो जाएगा, और उसका सेल्फ कितना 9 और म्यूचुअल कितना 3, तो 9 प्लस 3, तो यहां से आ जाएगा 6, कितना आ गया 9 12 21 हेनरी, ठीक। इसी तरह से आप लोग चाहो तो फॉर्मुलाइज अगर हम लोगों को करना हो, इसे हम L1 बोलेंगे, इसे हमने L2 बोल दिया, इसे हमने LM बोल दिया, तो कोइल फर्स्ट का कितना हो जाएगा, कोइल फर्स्ट का हो जाएगा L1 प्लस M, किसके केस में, एडिटिव के केस में। कोइल टू का कितना हो जाएगा, L2 प्लस M, इस प्रकार से टोटल कितना हो जाएगा, L1 प्लस L2 प्लस
2m, ठीक। तो चाहे तो आप फॉर्मुलाइज करके लिख लीजिए, चाहे इस प्रकार से लिख लीजिए। केस टू के लिए यदि मैं बात करूं तो केस टू के लिए एल इक्विवेलेंट मेरा जो होगा, कोइल फर्स्ट प्लस कोइल सेकंड, ठीक। और कोइल फर्स्ट में सेल्फ माइनस म्यूचुअल। अब देखना दोस्तों, मैंने माइनस साइन क्यों लिया है? माइनस साइन इसलिए लिया है क्योंकि अब मैं क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूं केस टू के लिए, और केस टू में जो मेरा फ्लक्स है वो कैसा है? सब्ट्रैक्टिव, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस वजह से अब मैंने यहां पर सेल्फ माइनस म्यूचुअल लिया, और सेल्फ माइनस जब मैं म्यूचुअल लूंगा तो यहां पर देखना आप, पहले का यदि मैं एल वन एल टू के हिसाब से ही चलू तो एल इक्विवेलेंट मेरा जो होगा, एल इक्विवेलेंट इक्वल टू होगा मेरा एल वन, ठीक भाई, माइनस एम, ठीक। अब ये हो गया। अब चूंकि कोइल वन और कोइल टू दोनों आपस में कैसे है, सीरीज में भाई, ये देखो, ये जो साइन होगा एल वन, सेल्फ और म्यूचुअल के बीच जो साइन होगा वो डिपेंड करेगा कि फ्लक्स एडिटिव है सब्ट्रैक्टिव है। लेकिन जो यहां एल वन प्लस एल, मैं कह रहा हूं कोइल फर्स्ट का प्लस कोइल सेकंड का, वो कौन डिसाइड कर रहा है? वो डिसाइड कर रहा है कि यहां पर दोनों कोइल सीरीज में कनेक्ट है। किसमें कनेक्ट है? सीरीज में। इस वजह से दोनों कोइल का टोटल इंडक्टेंस में क्या कर रहा हूं? ऐड। अब यहां पर कोइल फर्स्ट का इक्विवेलेंट इंडक्टेंस जो आएगा वो आएगा L1 माइनस M, कोइल टू का जो सेकंड का इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा L2 माइनस M। इस प्रकार से मैं दोनों को ऐड करूंगा तो यहां पर मिलेगा L1 प्लस L2 माइनस 2M। जो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस होगा कोइल फर्स्ट कोइल टू का, तो वो हो जाएगा L1 प्लस L2 माइनस 2M। उसी प्रकार से यहां पर आप लोग आंसर की यदि बात करें हम लोग, तो यहां पर आंसर आ जाएगा मेरा 6 प्लस 9 माइनस 2 इंटू 3, यानी कि 6 प्लस 9 माइनस 6, सॉरी 6 प्लस 9 माइनस 6 इक्वल टू 9 है नहीं। तो यदि फ्लक्स अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो जो मेरा इक्विवेलेंट इंडक्टेंस आएगा वो आएगा 9 हेनरी, और यदि फ्लक्स सेम डायरेक्शन में होगा तो जो मेरा इक्विवेलेंट इंडक्टेंस आएगा वो आएगा 21 हेनरी। अब देखिए दोस्तों, एक काम की चीज यहां पर यह है, आप लोगों ने कहा कि फ्लक्स एडिटिव होगा तो सेल्फ प्लस म्यूचुअल दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, ठीक, अच्छी बात। आप लोगों ने बोला यदि फ्लक्स अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यदि फ्लक्स अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो सेल्फ माइनस म्यूचुअल हो जाएगा, ठीक, ये भी अच्छी बात है। लेकिन हमें हर बार क्वेश्चन में ऐसा नहीं देगा, हर बार क्वेश्चन में ऐसा नहीं देगा, ये नहीं बताएगा हर बार, हमेशा यह नहीं बताएगा कि फ्लक्स एडिटिव होगा या सब्ट्रैक्टिव होगा। उस केस के लिए आप लोगों को डायरेक्टली ना बताकर आप लोगों को इस तरह से मार्क करके क्वेश्चन देगा वो, ऐसे ये, इसे आप लोग L1 कह दीजिए, इसे आप लोग L2 कह दीजिए, यहां पर आप लोग सपोज इसे M कह दीजिए। अब वो क्या दिखाएगा? वो यहां पर एक डॉट दिखाएगा आपको, यहां पर एक डॉट दिखाएगा, कुछ इस प्रकार से, ठीक दोस्तों, इस तरह से क्वेश्चन देगा। अब वो आपसे पूछेगा कि भाई इस सर्किट का इक्विवेलेंट इंडक्टेंस कितना होगा। इस प्रकार से एग्जाम में कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं, डॉट कन्वेंशन बोलते हैं इसे डॉट कन्वेंशन बोलते हैं, और क्यों लगाते हैं वो भी हम लोग बात कर लेंगे अभी, क्यों, क्या दिखाने का मतलब होता है। तो अल्टीमेटली ये जो डॉट कन्वेंशन होता है, डॉट कन्वेंशन, इसका सिंपल सा मतलब होता है, ये हमेशा यह बताने के लिए, लिख लीजिए आप लोग कहीं पर डॉट कन्वेंशन मैग्नेटिक सर्किट में, लिखिए आप लोग मैग्नेटिक सर्किट में डॉट कन्वेंशन, मैग्नेटिक सर्किट में डॉट कन्वेंशन फ्लक्स सब्ट्रैक्टिव होगा या एडिटिव, फ्लक्स सब्ट्रैक्टिव होगा या एडिटिव, यह रिप्रेजेंट करने के लिए, फ्लक्स सब्ट्रैक्टिव होगा या एडिटिव, यह रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है, यह रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। अब देखिए आप लोग, ये तो स्टेटमेंट था, यहां पर आपको ये एक डॉट दिया, इस डॉट का मतलब समझना आप लोग। देखो दोस्तों, कभी भी सर्किट कुछ इस प्रकार भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, यहां पर
तीन चार जो भी डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं मैं आपको सभी दिखा देता हूँ, जिससे आप इजीली जो है कॉन्सेप्ट इसके लिए माइंड में तैयार कर सके। ठीक, L1 L2 हर जगह से लिख लीजिए, L1 L2 L1 L2, यहाँ भी M रखिए, ये भी M है, ये भी M, ऐसे। ये सब ठीक, यहाँ दिखाइए, यहाँ दिखाइए, ठीक, यहाँ दिखाइए, यहाँ, यहाँ दिखाइए, ऐसे लीजिए, यहाँ दिखाइए। देखो दोस्तों, आपको करना क्या है, बहुत इजी है, बहुत इजी है, बस एक बार समझ लीजिए आप लोग। आपको किसी भी एक साइड से, किसी भी एक साइड से आप लोग करंट दीजिए, आप देना किसी भी एक साइड से आप लोग क्या दीजिए, करंट। अब आप बताइए इस वाली कॉइल में, इस वाली कॉइल में करंट के जो डॉट है मेरा, जो डॉट है मेरा, वो करंट की एंट्री पर है या एग्जिट पर, ये देखिए आप लोग। यहां पर यदि कॉइल वन के लिए बात करूं, ये एंट्री है भाई, करंट ऐसे आपने माना, ऐसे आपने करंट की डायरेक्शन मानी, तो यहां करंट एंटर हो रहा है, तो एंटर हो रहा है, तो इस डॉट को मैं बोलूंगा कि एंट्री पर है, यहां पर क्या है, एंट्री पर। इसी तरह से कॉइल टू में भी जब करंट एंटर होने वाला था तभी डॉट मिल गया, तभी क्या मिल गया, डॉट। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहां भी क्या होगा, ये एंट्री पर। ठीक दोस्तों, ठीक उसी प्रकार से यहां से आप लोग ये करंट मान लीजिए, ये यहां पर एंटर करा तो एंट्री पर हुआ, इसे हम कह सकते हैं एंट्री। ठीक, अब कॉइल टू में पहुंचे आप लोग, करंट भाई यहां से ऐसा आया, सीरीज में करंट सेम रहता, वही करंट यहां आ जाएगा, वही करंट यहां आ जाएगा। अब एंट्री तो ये थी, यहां तो कुछ नहीं है, अब जो डॉट मिल रहा कहां है, निकलते टाइम, कॉइल टू से निकलते टाइम जब करंट निकल रहा है वहां पर डॉट है, तो मैं यहां पर कह सकता हूं एग्जिट पर है, समझाने के लिए। ठीक, उसी प्रकार से यहां पर आपने करंट माना, ये मैं कहूंगा यहां पर एंट्री पर नहीं है, ये कहां है, करंट ऐसे जाएगा तो एग्जिट, और ये जब कॉइल टू में घुसे, जैसे ही घुसने वाला हुआ वैसे ही यहां पर डॉट है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एंट्री। ठीक, उसी प्रकार से ये क्या होगा, यहां पर एग्जिट, और यहां पर ये क्या होगा, एग्जिट। अब देखिए आप लोग, यदि यदि दोनों डॉट, यदि दोनों डॉट एंट्री या दोनों डॉट या दोनों डॉट एग्जिट शो करते हो, या दोनों डॉट एग्जिट शो करते हो, तो फ्लक्स, तो फ्लक्स, दिस गिव्स फ्लक्स, जो होगा मेरा वो क्या होगा, एडिटिव। फ्लक्स क्या होगा मेरा, एडिटिव। ठीक, अगर दोनों एंट्री है या दोनों ही एग्जिट है तो फ्लक्स क्या होगा मेरा, एडिटिव। और यदि, और यदि एक डॉट, एक डॉट एंट्री, सेकंड डॉट एग्जिट, वाइस वर्सा, मतलब कोई एक एंट्री पर कोई एक एग्जिट पर हो, तो फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स क्या होगा मेरा, सबट्रैक्टिव। फ्लक्स क्या हो जाएगा मेरा, सबट्रैक्टिव। तो आप लोग यहां पर देख सकते हो, ये एंट्री पर है, ये एंट्री पर है, तो यहां पर फ्लक्स कैसा रहा होगा, एडिटिव। और जब फ्लक्स मेरा एडिटिव रहा होगा, तो इसका मतलब यहां पर जो L इक्विवेलेंट आएगा मेरा, वो आएगा L1 प्लस L2 प्लस 2M। ठीक दोस्तों, इसी प्रकार से, इसी प्रकार से मैं यहां पर कह सकता हूं, ये एंट्री पर है, ये डॉट जो है एंट्री पर है, ये डॉट कहां पर है, एग्जिट पर, तो फ्लक्स कैसा हुआ, सबट्रैक्टिव। और जब फ्लक्स सबट्रैक्टिव होगा, तो इसका जो इक्विवेलेंट आएगा, एल इक्विवेलेंट, वो आएगा मेरा L1 प्लस L2 माइनस 2M। ठीक, कॉइल थर्ड आप लोग देख लीजिए, पहला डॉट एग्जिट पर है, दूसरा डॉट एंट्री पर है, तो यहां पर जो L इक्विवेलेंट आएगा, एक हुआ एंट्री पर, एक हुआ एग्जिट पर, तो फ्लक्स सबट्रैक्टिव हुआ, तो इक्विवेलेंट आएगा L1 प्लस L2 माइनस 2M। ठीक उसी प्रकार से यहां पर आप लोग देख सकते हो, ये एग्जिट पर है, ये भी एग्जिट, दोनों सेम एग्जिट पर है, एग्जिट पर है दोनों, तो यहां पर L इक्विवेलेंट हो जाएगा मेरा L1 प्लस L2 प्लस 2M। ठीक दोस्तों, एक आध इजी क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग, चाहे कर लेना है, मैं करा देता हूं आपको। जैसे सपोज, जैसे सपोज मेरा कोई सर्किट दिया गया है कुछ इस प्रकार से,
इसे कह दीजिए 10 हेनरी, इसे 6 हेनरी बोल दो, इसे कह दीजिए आप 8 हेनरी, ठीक। इसे यहाँ कह दीजिए 2 हेनरी, इसे 3 हेनरी कह दीजिए, इसे यहाँ से यहाँ कह दीजिए 1 हेनरी, इस प्रकार से, ठीक दोस्तों। यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक। एक डॉट यहाँ दीजिए, एक यहाँ पर दीजिए, एक यहाँ पर दीजिए। हमसे पूछा जाता है एल इक्विवेलेंट कितना होगा भाई, ठीक। तो देखिए पहले यहाँ कोइल कितनी है, 3, इसे कोइल फर्स्ट कह दीजिए, इसे कोइल सेकंड, इसे कोइल थर्ड। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे, यहाँ पर आप लोग देखोगे तो एल इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कोइल फर्स्ट का टोटल इंडक्टेंस यानी कि L1, L1 कितना हुआ, 10 भाई, 10 हुआ, ठीक। उसके बाद माइनस, क्योंकि यहां पर और यहां पर देखिए ये वाला डॉट कहां पर है, एंट्री पर, ये वाला डॉट कहां पर है, एंट्री पर, ये वाला डॉट कहां पर है, एग्जिट पर। तो इन दोनों फ्लक्स, इन दोनों कॉइल का, इन दोनों कॉइल का फ्लक्स अपोजिट में होगा भाई, एक डॉट एंट्री पर है, दूसरा डॉट एग्जिट पर है, तो दोनों कॉइल का फ्लक्स अपोजिट डायरेक्शन में होगा। और जब कॉइल का फ्लक्स दोनों का अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो यहां पर एम जो होगा माइनस साइन के साथ आएगा। तो यहां पर मैं कहूंगा इस कॉइल का इंडक्टेंस 10 - 2, ठीक। उसी प्रकार से प्लस दूसरी कॉइल का टोटल इंडक्टेंस कितना है, सेल्फ, कितना सेल्फ इंडक्टेंस, सॉरी 6, ठीक भाई। एक चीज हमसे गलती होगी थोड़ा सा, हमने यहां पर इसका और इसका म्यूचुअल तो ले लिया, लेकिन भाई एक म्यूचुअल इसका और इसका भी है। ये जो कोइल वन है, इस कोइल वन का सेल्फ तो है ही, सेल्फ के साथ साथ में कुछ फ्लक्स कोइल टू से लिंक हो रहा है और कुछ फ्लक्स कोइल थ्री से लिंक हो रहा है। तो कोइल फर्स्ट का आपने सेल्फ लिख लिया, कोइल टू के साथ म्यूचुअल लिख लिया, कोइल थ्री के साथ म्यूचुअल कितना, 1 हेनरी। ये वाला डॉट एंट्री पर, करंट ऐसे गया, यहां से गया, यहां भी ऐसे गया, ये वाला भी एंट्री पर होगा, तो दोनों ही एंट्री पर है। तो ये वाला जो फ्लक्स होगा, इसका मतलब इसकी और इसकी, इसका मतलब कोइल फर्स्ट और कोइल थर्ड, इन दोनों के फ्लक्स की डायरेक्शन सेम होगी। और जब डायरेक्शन सेम होगी तो इसका जो एम होगा यहां का और यहां का जो एम होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, वो किस साइन के साथ आएगा, प्लस के साथ, और कितना, 1, ठीक। उसी प्रकार से कोइल टू का आप लोग लिखिए, अब सीरीज में है तो बीच में साइन प्लस आएगा, ठीक। कोइल टू का सबसे पहले सेल्फ लिख लिया आप लोगों ने, सेल्फ के बाद इसका म्यूचुअल इसके साथ और इसका म्यूचुअल इसके साथ। आप लोग यहां देखिए, अब यहां पर करंट कहां है, एग्जिट पर, यहां पर करंट कहां है, एंट्री, सॉरी डॉट, यहां पर डॉट कहां है, एग्जिट पर, और यहां पर डॉट कहां है, एंट्री पर। तो दोनों का फ्लक्स रिवर्स हुआ, और जब रिवर्स हुआ तो यहां इसका जो इसके साथ एम होगा वो माइनस साइन के साथ आएगा, -2। देख लीजिए भाई, भाई यहां पर एग्जिट पर है, यहां पर एंट्री पर है, तो दोनों का फ्लक्स अपोजिट में होगा, तो इस वजह से मैंने 6, और इसके साथ जो है म्यूचुअल, जो इसके साथ कंपोनेंट है, वो कौन से साइन के साथ आएगा, माइनस के साथ। इसका इसके साथ चेक कर लीजिए, यहां एग्जिट पर है भाई, करंट ऐसे भेजा तो यहां करंट कहां हुआ, एग्जिट डॉट कहां हुआ, एग्जिट पर, यहां कहां पर है, एंट्री पर, तो फिर से अपोजिट। तो ये और ये भी अपोजिट है भाई, ये इसके साथ तो अपोजिट है, इसके साथ भी अपोजिट होगा, क्योंकि इसका डॉट एग्जिट पर है, यहां पर एंट्री पर है। तो 6 - 2, 6 इसका सेल्फ, -2 इसके साथ माइनस, इसके साथ भी माइनस, -3, ठीक। इसी प्रकार से कोइल थर्ड का आप लोग लिख लीजिए, कोइल थर्ड का सेल्फ कितना हो जाएगा, 8, ठीक, सेल्फ 8। अब कोइल थ्री का कोइल फर्स्ट के साथ चेक कर लीजिए आप लोग, यहां डॉट कहां है, एंट्री पर, यहां भी डॉट कहां है, एंट्री पर, तो दोनों ही एंट्री पर हो गए, तो दोनों का फ्लक्स सेम डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब 8 प्लस इसके साथ म्यूचुअल कितना, इसका 1, ठीक। उसी प्रकार से इस कोइल थर्ड का कोइल टू के साथ, यहां पर जो डॉट है एग्जिट पर है, यहां पर जो डॉट है एंट्री पर है, एक डॉट एग्जिट पर है, एक डॉट एंट्री पर है, तो जो इसका म्यूचुअल होगा वो कैसा होगा, माइनस के साथ, यानी इनका जो फ्लक्स होगा वो रिवर्स डायरेक्शन में होगा। और जब फ्लक्स रिवर्स डायरेक्शन में होगा तो उसका जो म्यूचुअल कंपोनेंट होगा एम जो होगा वो किस साइन के साथ आएगा, माइनस साइन के साथ, और माइनस साइन के साथ आएगा। तो 8 + 1 हुआ, 8 + 1 हुआ -3, ठीक। इसे आप लोग सोल्व कर लीजिए, तो यहां पर आया 9, ठीक, यहां पर आया 1 तो 10 हो गया, और यहां पर आया 6 तो 10 और 6 16 हेनरी। ये आंसर होगा इस क्वेश्चन का।
तो इस तरह के और भी क्वेश्चन है आप लोगों को किताबों में मिलेंगे, डिफरेंट कंपटीशन में मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में मिलेंगे, तो आप लोग इस प्रकार से जो है उन्हें सोल्व कीजिएगा। ठीक, मैंने सीरीज की बात कर ली, इंडक्टेंस कपलिंग और बिना कपलिंग के भी, यानी कि एम जब है तब भी और एम तब नहीं है तब तो बिल्कुल सिंपल रेजिस्टेंस। पैरेलल की मैंने बात की थी, पैरेलल में सपोज ये मेरे दो इंडक्टर हैं, यहां पर सपोज ये मेरे कोई दो इंडक्टर हैं, इस तरह से कनेक्शन होते हैं पैरेलल में दोस्तों। ये एल वन कह दीजिए, इसे एल टू कह दीजिए, यहां पर टोटल करंट बता दीजिए आई, यहां पर हमने करंट, क्योंकि करंट पैरेलल में डिवाइड होता है तो यहां पर करंट आई वन रहा होगा, यहां पर करंट कितना रहा होगा आई टू। हम लोग कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि भाई मेरा यहां पर जो कपलिंग है वो एम है, कपलिंग है एम है, और उसे चाहो तो आप लोग इस तरह से डॉट से भी दिखा सकते हैं हम लोग। ठीक, अगर एम ना होता तो सिंपल सा फॉर्मूला हो जाता मेरा, वन अपोन एल इक्विवेलेंट इक्वल्स टू वन अपोन एल वन प्लस वन अपोन एल टू, जिसे आप सोल्व करोगे तो यहां से ऐसा भी लिख सकते हो जिस तरह से रेजिस्टेंस के लिए लिखते थे दो के लिए, एल वन इंटू एल टू अपॉन एल वन प्लस एल टू, इस तरह से भी आप लोग लिख सकते हो। ठीक, तो ये जब था, ये जब होता यदि यहां पर म्यूचुअल कपलिंग ना होती, लेकिन यहां पर नया फिनोमिना ऐड हुआ है और उस नए फिनोमिना का नाम जो है वो है कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, देखिए आप लोग, आई बराबर जो मेरा होगा, आई बराबर मेरा होगा आई वन प्लस आई टू, भाई करंट डिविजन रूल KCL आप लोगों ने पढ़ा होगा, यहां पर I है, कुछ पार्ट इसमें गया कुछ पार्ट इसमें गया, तो I इक्वल टू आई वन प्लस आई टू, इसी चीज को आप लोग लिख सकते हो d I अपॉन dt, डिफ्रेंसिएशन कर दिए दोनों साइड का, तो यहां पर मुझे मिलेगा d I वन अपॉन dt प्लस d I टू अपॉन dt, इस प्रकार से हो सकता है। ठीक, इससे आगे अगर हम लोग बात करें, अब इससे आगे यदि हम लोग बात करें, देखिए ये दोनों पैरेलल में हैं, ये कोइल और ये कोइल दोनों पैरेलल में हैं, और इतना तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा, इतना तो आप लोगों को पता होगा कि पैरेलल में हमेशा वोल्टेज क्या होती है, इक्वल। तो हम लोग कह सकते हैं, मैं कह सकता हूं कि कोइल फर्स्ट के अक्रॉस वोल्टेज इक्वल्स टू कोइल फर्स्ट के क्रॉस वोल्टेज इक्वल टू कोइल टू के क्रॉस। तो कोइल फर्स्ट के क्रॉस कितना होगा भाई, देख लीजिए आप लोग, सेल्फ के कारण, यहां भाई सेल्फ भी हो रहा है, एल है, म्यूचुअल भी हो रहा है, तो सेल्फ प्लस म्यूचुअल, सेल्फ के कारण कितना होता है, सेल्फ के कारण जो होता है मेरा एल वन डी आई वन अपोन डी टी। ठीक, म्यूचुअल के कारण कितना होगा लिख लीजिए आप लोग प्लस, हां एक चीज और, यहां पर एम डॉट दोनों इनसाइड करंट की एंट्री पर है, दोनों ही डॉट करंट की एंट्री पर है, इसका मतलब फ्लक्स एडिटिव रहा होगा, और फ्लक्स एडिटिव रहा होगा तो यहां पर साइन कैसा आएगा प्लस, तो यहां पर लिख सकता हूं मैं एम, ठीक डी आई टू, एम के साथ हमेशा करंट दूसरी कोइल का होता है अपोन डी टी, ये तो होगा कोइल फर्स्ट, इसके अक्रॉस वोल्टेज, उसी प्रकार से इसके अक्रॉस वोल्टेज आप लोग चेक कर लीजिए, और ये दोनों क्या होगी इक्वल, तो मैं डायरेक्ट यहां पर लिख दे रहा हूं, ये कोइल वन के अक्रॉस है, कोइल टू की लिख देता हूं, यहां पर कोइल टू क्या आएगी एल टू डी आई टू अपॉन डी टी। ठीक दोस्तों, उसी प्रकार से प्लस एम डी आई वन अपॉन टी। ठीक, अगर I1 वाले टर्म आप लोग एक साइड लेकर जाए हम लोग, तो कह सकते हैं कि डी आई वन अपोन डी टी, ठीक ब्रैकेट में L1 ये इधर जाएगा माइनस M, ठीक बराबर इसे इधर लेकर जाएंगे तो यहां पर ले सकते हो डी आई टू अपोन डी टी ब्रैकेट में L2 माइनस M। ठीक ठीक दोस्तों, यहां पर थोड़ा सा इसे और सोल्व करेंगे, यहां पर आप लोग लिख सकते हो कि डी आई वन अपॉन डी टी
इक्वल टू इस चीज को इधर ले जाते हैं, तो डी आई टू अपोन डी टी ब्रैकेट ठीक एल टू माइनस एम अपोन एल वन माइनस एम, ये बटाई हो जाएगा। ठीक, इसे आप लोग कह दीजिए इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, अब इसके बाद देखिए आप लोग, मेरा जो टोटल वोल्टेज होगा, अगर मैं इसे इसका इक्विवेलेंट सपोज इसके इक्विवेलेंट को मैं नाम देता हूं एल इक्विवेलेंट, इसके इक्विवेलेंट को मैं नाम देता हूं एल इक्विवेलेंट, तो मेरा मुझे पता है कि मेरा वी इक्वल्स टू होता है एल डी आई अपॉन डी टी। भाई पूरे सर्किट का एल कितना मान लिया आपने, एल इक्विवेलेंट, पूरे सर्किट का करंट कितना है आई, तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि मेरा एल इक्विवेलेंट इंटू एल इक्विवेलेंट इंटू डी आई अपॉन डी टी। ठीक, एल इक्विवेलेंट पूरे सर्किट के क्रॉस वोल्टेज, यहां वोल्टेज, अब जो वोल्टेज यहां होगी वही यहां होगी और वही यहां होगी। भाई जो ये टोटल सर्किट की वोल्टेज हुई वही सर्किट की वोल्टेज यहां के बराबर, वही यहां के बराबर, तो मैं कह सकता हूं कि ये मेरे टोटल सर्किट की वोल्टेज है, ये मेरी टोटल सर्किट की वोल्टेज कोइल वन व या कोइल टू के बराबर होगी। ये जो मेरी टोटल सर्किट की वोल्टेज है वो कोइल वन की वोल्टेज के बराबर होगी या फिर कोइल टू की वोल्टेज के बराबर होगी। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि एल इक्विवेलेंट इंटू डी आई अपॉन डी टी इक्वल टू कोइल फर्स्ट, ये रहा कोइल फर्स्ट, ये मैंने यहां पर निकाला है कोइल फर्स्ट का वोल्टेज, ये जो वोल्टेज है कोइल फर्स्ट का है वो मैं कह सकता हूं एल वन इंटू डी आई वन अपॉन डी टी प्लस एम डी आई टू अपॉन डी टी। ठीक, साथ ही साथ आप लोगों ने ये यहां पर आ गया इतना, आप लोगों ने डी आई वन अपॉन डी टी की वैल्यू यहां पर निकाली हम लोगों ने, ये रहा भाई फर्स्ट, तो इस इक्वेशन को यहां में रखने पर हम लोगों को मिलेगा एल इक्विवेलेंट इंटू डी आई अपॉन डी टी इक्वल्स टू एल वन, ठीक एल वन इंटू डी आई टू अपॉन डी टी, ये कोई इक्वेशन फर्स्ट है ना भाई, ये डी आई वन अपॉन डी टी की वैल्यू, तो डी आई वन अपॉन डी टी की वैल्यू यहां पर रखूंगा मैं, यहां मिलेगा मुझे ब्रैकेट एल टू माइनस एम अपॉन एल वन माइनस एम इस तरह से। ठीक, ये हो गया, तो ये प्लस एम डी आई टू अपॉन डी टी। ठीक, आप यहां पर ये चीज कॉमन ले लीजिए, तो यहां पर मिलेगा आपको डी आई टू अपॉन डी टी ब्रैकेट ब्रैकेट एल वन जो है, एल वन मेरा सिर्फ इतने का मल्टीप्लाई में होगा, वो एम अलग था डी आई टू अपॉन डी टी। ठीक, तो यहां पर मुझे मिलेगा, मैं इसे डायरेक्ट गुना कर दे, ये यहां तक आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, देखो हम लोगों को एल इक्विवेलेंट इंटू डी आई अपॉन डी टी की वैल्यू प्राप्त हो गई, यानी कि हम लोग कह सकते हैं यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि मुझे डी आई अपॉन डी टी, जो मेरा डी आई अपॉन डी टी होगा वो मेरा होगा वन अपॉन एल इक्विवेलेंट इंटू ये वाला जो टर्म है वो इंटू डी आई टू अपॉन डी टी ब्रैकेट एल वन एल टू माइनस एम स्क्वायर अपॉन एल वन माइनस एम। ये जो वैल्यू आई मेरी वो वैल्यू आई भाई डी आई अपॉन डी टी की, आप लोग चेक कर सकते हो, ये जो वैल्यू मेरी आई है वो वैल्यू आई है मेरी डी आई अपॉन डी टी की। अब आप लोग देखिए डी आई अपॉन डी टी की एक वैल्यू तो आपकी ये आ गई यहां से, और एक वैल्यू जो आप लोग स्टार्टिंग में देख रहे थे वो थी मेरी डी आई अपॉन डी टी इक्वल टू डी आई वन अपॉन डी टी प्लस, ये था ना, इसे दोनों को डिफ्रेंशिएट कर लिया तो ये इतना वैल्यू आ रहा था मेरा। अगर इसे मैं थोड़ा सा और सोल्व करूं, यदि इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन हम लोग कह सकते हैं फर्स्ट, ये मान लिया हमने, इसे हम लोग सेकंड नाम दे देते हैं,
इसे इक्वेशन सेकंड नाम देते थे, इसे इक्वेशन ए कह देते हैं, चलो इक्वेशन ए। तो यहां पर हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम अब इक्वेशन ए को, इक्वेशन ए को जो है, इक्वेशन ए है जो मेरा डी आई अपॉन डी टी इक्वल टू, इसे पूरे को डी आई टू के टर्म, इस टर्म में रख लेते हैं, इस इक्वेशन को पूरी को इस टर्म में रख लेते हैं। यहां से जो है मेरा ये पूरा इक्वेशन डी आई टू अपॉन डी टी के टर्म में आ गया, तो इन दोनों इक्वेशन को मैं बराबर करूंगा, ये वाला टर्म मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, जो सब कुछ बचेगा मेरा वो इस टर्म में और इस टर्म में बचेगा, तो वहां से मैं क्या निकाल लूंगा एल इक्विवेलेंट। तो हम लोग देख सकते हैं डी आई अपॉन डी टी, डी आई वन अपॉन डी टी की जो वैल्यू थी वो मेरी वैल्यू इतनी आई थी इक्वेशन फर्स्ट के द्वारा, तो हम लोग यहां पर रख सकते हैं उसे डी आई टू अपॉन डी टी, ठीक भाई, ब्रैकेट L2 माइनस M अपॉन L1 माइनस M, ये जो वैल्यू थी मेरी dy1 की है, इसे क्या लिख सकते हैं प्लस dI2 अपॉन dt। ठीक, यहां पर थोड़ा और सोल्व करेंगे से हम लोग, तो हम देखेंगे dI अपॉन dt इक्वल्स टू dI2 अपॉन dt पूरे का ब्रैकेट L2 माइनस M अपॉन L1 माइनस M, यहां पर प्लस वन, इसे कॉमन ले लेते हैं दोनों को, तो यहां पर प्लस वन होगा और प्लस वन की जगह मैं लिख सकता हूं प्लस प्लस एल वन माइनस एम, ध्यान देना दोस्तों इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग। ठीक, यहां से इतना सब करने के बाद इसे थोड़ा सा यदि और सोल्व करोगे आप लोग, तो आप लोग देखोगे यहां पर इसकी वैल्यू आ जाएगी डी आई टू अपॉन डी टी ब्रैकेट एल वन प्लस एल टू माइनस टू एम अपॉन L1 माइनस M, ये जो वैल्यू हुआ मेरा वो किसका हुआ DI अपॉन DT का। ठीक, इसे इक्वेशन आप लोग 4 कह लीजिए, इसे इक्वेशन 4 कह लीजिए। आप देखिए इक्वेशन थर्ड किसकी वैल्यू बता रहा है, ये जो इक्वेशन 2 है वो किसकी वैल्यू बता रहा है DI अपॉन DT की, जो इक्वेशन थर्ड होगी वो किसकी वैल्यू बता रहा है मेरा DI अपॉन DT की। तो इन दोनों वैल्यू को हम लोग इक्वल कर लेंगे, और जब हम इन दोनों वैल्यू को इक्वल कर लेंगे तो इक्वल कर लेने के बाद जो मुझे यहां पर प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा मेरा, मैं कह सकता हूं सेकेंड इक्वल टू फोर। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग डी आई टू अपॉन डी टी, ठीक, ब्रैकेट एल वन प्लस एल टू माइनस टू एम अपॉन एल वन माइनस एम विल बी इक्वल टू वन अपॉन एल इक्विवेलेंट ये वाला टर्म इंटू डी आई टू अपॉन डी टी ब्रैकेट L1 L2 माइनस एम स्क्वायर अपॉन L1 माइनस M, ये कह सकते हो आप लोग इतना। अब आप लोग देखिए यहां पर इस चीज से चीज कैंसिल आउट हो जाएगी, तो L इक्विवेलेंट मेरा बच जाएगा, ये चीज यहां आएगी, ये ऊपर चली जाएगी, तो ये बचेगा L1 इंटू L2 माइनस एम स्क्वायर अपॉन L1 माइनस M ब्रैकेट इंटू L1 माइनस M अपॉन L1 प्लस L2 माइनस का 2m, ये बचेगा इस प्रकार से, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो कि जो मेरी इक्विवेलेंट वैल्यू आएगी L इक्विवेलेंट की, जो मेरी L इक्विवेलेंट की नेट वैल्यू आएगी, वो जो नेट वैल्यू होगी मेरी L इक्विवेलेंट इक्वल्स टू L1 इंटू L2 माइनस m स्क्वायर अपॉन L1 प्लस L2 माइनस का 2m। ये मेरा इक्विवेलेंट हुआ कब, ये मेरा इक्विवेलेंट होगा जब वैन वैन फ्लक्स इज एडिटिव, वैन फ्लक्स इज एडिटिव। आप लोगों ने कंडीशन जो है स्टार्टिंग में हम लोगों ने ली है कि m जो है m को हमने प्लस लिया है, प्लस किस केस में लिया जाएगा, m प्लस हमेशा एम जो है उस केस में लिया जाएगा जब मेरा फ्लक्स दोनों का क्या रहा होगा सेम डायरेक्शन में, या दोनों का क्या रहा होगा एडिटिव। तो ये तो फ्लक्स एडिटिव के लिए केस है दोस्तों, इसी प्रकार से बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, सीधा सीधा एग्जाम में जाता है कि इक्विवेलेंट कितना होगा, दो इंडक्टर में, दो इंडक्टर या दो कॉइल मेरी पैरेलल में है और उनके आपस में म्यूचुअल कपलिंग हो रही है, और म्यूचुअल कपलिंग है जो वो भी कैसी है एडिटिव, यानी कि दोनों कॉइल का फ्लक्स सेम डायरेक्शन में है, तो उस केस में पैरेलल के लिए जो मेरा L इक्विवेलेंट होगा वो होगा L1 into L2 minus m square upon L1 plus L2 minus 2m। और अगर यदि इनके फ्लक्स सबट्रैक्टिव होता है, यदि इनकेस फ्लक्स सब्ट्रैक्टिव होता है तो पैरेलल, जैसे हम लोग बोल सकते हैं यदि इनकेस
कुछ इस तरह से होता है। ये मेरी कॉइल फर्स्ट, ये मेरी कॉइल टू, ये यहां पर, ये यहां पर, ये यहां पर आई, ये यहां पर आई वन, ये यहां पर आई टू। तो दोस्तों इसी प्रकार से अब तक हम लोग क्या कर रहे थे, अब तक हम लोग ले रहे थे एल वन प्लस एम। जब फ्लक्स एडिटिव था, जब फ्लक्स एडिटिव था, हम लोगों ने लिया था एल वन प्लस एम, और फ्लक्स फ्लक्स सब्ट्रैक्टिव, फ्लक्स सब्ट्रैक्टिव होने पर, होने पर जो एम वाला फ्लक्स होगा या जो एम होगा मेरा, वो माइनस साइन के साथ आ जाएगा, है ना, वो किसके साथ आ जाएगा, माइनस के साथ। तो मैं डायरेक्ट इसे आप लोग याद रख लीजिएगा, यहां से डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं एल इक्विवेलेंट इक्वल्स टू एम की वैल्यू माइनस रखनी है भाई, एम की वैल्यू क्या रखनी है, यदि फ्लक्स सब्ट्रैक्टिव हो जाएगा तो यहां पॉजिटिव एम की जगह क्या रखना, नेगेटिव एम। तो उस केस में क्या मिलेगा आपको, एल वन इंटू एल टू माइनस माइनस का एम स्क्वायर अपॉन एल वन प्लस एल टू माइनस का टू इंटू माइनस का एम। तो यहां पर जो मिलेगा आपको सब्ट्रैक्टिव होने पर एल वन इंटू एल टू माइनस, अब ये माइनस माइनस प्लस, तो माइनस एम स्क्वायर एज स्टिल, और यहां पर एल वन प्लस एल टू माइनस माइनस प्लस टू एम। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, यदि पैरेलल में है, यदि पैरेलल में और फ्लक्स एडिटिव है, यदि पैरेलल में है और फ्लक्स एडिटिव है तो इक्विवेलेंट होगा L1 L2 M स्क्वायर माइनस L1 प्लस L2 माइनस 2M। L1 क्या है, कोइल फर्स्ट का सेल्फ इंडक्टेंस, L2 क्या है, कोइल टू का सेल्फ इंडक्टेंस, M क्या है, म्यूचुअल कपलिंग इंडक्टेंस। इसी प्रकार से यदि फ्लक्स सब्ट्रैक्टिव होगा तो उस केस में जो L इक्विवेलेंट हो जाएगा मेरा L1 L2 माइनस M स्क्वायर, यहां नीचे प्लस आ जाएगा, M को इस फॉर्मूले में, M को पॉजिटिव की जगह निगेटिव रख लोगे तो ये वाला फॉर्मूला जाएगा जो किसके लिए एप्लीकेबल होगा, फ्लक्स सब्ट्रैक्टिव होने पर। तो इंपॉर्टेंट होता है कंपटीशन में, डायरेक्ट वैल्यू भी आ सकती है, आपको L1 की वैल्यू दे देगा, L2 की वैल्यू दे देगा, M की भी दे देगा, उसके बाद बता देगा कि भाई सब्ट्रैक्टिव होगा एडिटिव होगा, उसके बाद आपसे L इक्विवेलेंट पूछेगा। इसी प्रकार से यहां भी कर सकता है, तो चाहे फॉर्मूला है चाहे सिंपल न्यूमेरिकल है, ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को दूंगा इस टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चन, लेकिन अगर यहां से इस तरह से होता है तो आप इस तरह से वैल्यू पुट करना और ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना, तो आपका इजीली आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों यहां पर हम लोगों ने सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में जाना, म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में जाना, इंडक्टर सीरीज में किस तरह से इक्विवेलेंट कितना देगा वो बताया, पैरेलल में कितना होगा वो बताया, म्यूचुअल कपलिंग के बिना क्या होगा वो बताया, कपलिंग के साथ क्या होगा वो बताया। अब मेरा मैग्नेटिक सर्किट में ऑलमोस्ट ये टॉपिक जो है कवर होने वाला है। अब जो है कुछ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है जिसकी हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, और उम्मीद करें कि नेक्स्ट क्लास में हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोग जो है इतना पढ़ने के बाद, डेली टू डेली जो आप लेक्चर पढ़ रहे होंगे आप उसे पढ़ने के बाद आप लोग जो है न्यूमेरिकल पोर्शन करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि दोस्तों देखो कमांड जो आनी है वो न्यूमेरिकल से आएगी। आप न्यूमेरिकल पोर्शन की प्रति जो अप्रोच है वो अच्छी रखिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व कीजिए, तभी आप लोगों को बहुत सारी जो प्रॉब्लम होगी जो अब तक हो सकता है कुछ मैंने भी ना बताया हो यहाँ पर, जब आप लोग खुद करोगे तो आपको बहुत सारी चीजें अलग देखने को मिलेगी। तो बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का।